अतिवृष्टि और नदी नालों में आए बाढ़ से तालुका के अनेक किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेत जमीन पर फसल बह गई है। हिंगनघाट तालुका के 3,500 हेक्टेयर खेत जमीनी में से करीब 2,500 हेक्टेयर खेत जमीन अतिवृष्टि की वजह से बर्बाद हुई है। हिंगनघाट तहसीलदार सतीश मासाल ने बताया कि शासन के नए आदेश अनुसार नुकसान हुए किसानों के 3 हेक्टेयर तक के लिए प्रत्येक 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता मंजूर की गई है। इसी तरह पशुधन का नुकसान होने पर शासन नियमानुसार सहायता दी जाने वाली है। हिंगनघाट उप विभाग महसूल प्रशासन द्वारा 35,000 किसान खातेदार के खाते की कागजों की पूर्तता और प्रक्रिया की गई है, जिसमें करीब 80% किसानों के खाते की जानकारी उपलब्ध हुई है। अन्य किसानों की भी जानकारी लेने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू है। उप विभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले के मार्गदर्शन में हिंगनघाट और समुद्रपुर तालुका के महसूल कर्मचारी नुकसान का जायजा लेने का कार्य कर रहे हैं और शासन नियम अनुसार नुकसान का मुआवजा देने की जानकारी उप विभागीय अधिकारी ने दी है। जुलैमध्ये जी अतिवृष्टि झाली होती आणि त्यामुळे आलेला महापूर, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालेलं आहे, शेतपिकांचं काही जमिनी खरडून गेलेल्या आहेत, काही जमिनीमध्ये गाळ साचलेला आहे, तर ते सर्व शेतीचे पंचनामे पूर्ण झालेले आहेत। ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी यांनी संयुक्त पंचनामे केलेले आहेत। गावातील सरपंच, पोलीस पाटील यांच्या समक्ष पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे आणि शासनाकडे आपण अनुदानाची मागणी पण पाठवलेली आहे। हिंगनघाटमध्ये शेतीपिकांचं नुकसान 31,000 हेक्टर आहे आणि खरडून गेलेलं आणि गाळ साचलेलं 2,500 हेक्टर आहे। तर या सर्व जमिनींचे तसेच जे 600 ते 650 जवळपास घरांचं पडझडीमुळे नुकसान झालेलं आहे, त्यांची या अनुदानाची मागणी केलेली आहे। अनुदान प्राप्त होताच आपण सर्व शेतकऱ्यांना, लोकांना तातडीनं अनुदान वितरित करण्याची आपली तयारी सुरू आहे। हिंगनघाट से BCN न्यूज के लिए कॅमेरामॅन योगेश लखोटे के साथ रवी यनौरकर की रिपोर्ट।